वो एक्शन पूरी राजनीतिक एक्शन है। जैसे ही चुनाव नजदीक आए तो ये सारी एजेंसी प्रचार में लग जाती है और यही प्रचार की शुरुआत है भाजपा की। मैं उनकी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देता। शिवसेना पहली बार यूपी में आई है, चुनाव लड़ेगी। पहले हम एक मित्रधम का एक ये करते थे, लेकिन जब ही हमने देखा कि शिवसेना के लिए जो आप उत्साह देख रहे हो, रिस्पांस देख रहे हो उत्तर प्रदेश में, मुझे ये लगता है कि डुमरियागंज में शिवसेना की जीत ये निश्चित तय है। अगर आप भी कोई चीज समर्थन करें किसी पार्टी को, मुझे लगता है पहले हम जीत जाएंगे। हम जो भी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे उनके साथ। सरकार को और राज्य को बदनाम करने की बीजेपी की कोशिश अढ़ाई साल पहले जब से भाजपा ने सत्ता गंवाई है तब से ये बदली की भावना का खेल चल रहा है। नवाब मलिक नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ईश्वर नहीं है। आपने पूरा झूठा मुकदमा बनाया है और जो जो आपके खिलाफ आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे आप उनको इस तरह से फंसाएंगे। हमको भी फंसाया जा रहा है, थोड़ा जमीन पर हम डरते हैं, हम लड़ेंगे। पहली बार आप महिलाएं खुल के सीट लड़ने के लिए आए हैं, क्या जनता से कितना समर्थन आपको मिलेगा? हमको जल्द समर्थन मिल रहा है, आप देख रहे हो।